काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ट्रेन बस 2 मिनट रुकेगी, हम चलते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, तो आप लोग को लग रहा होगा कि हम 4 बजे सो के उठे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम पूरी रात जागे हैं और आज मेरा एग्ज़ाम भी है, तो हमको पढ़ना भी था और आज हमको निकलना भी है ना। जैसे एग्ज़ाम दे के आएंगे तो 4 बजे मेरा ट्रेन भी है, तो हमको मतलब और फिर उसके बाद अगले दिन मेरा सफ़र ख़त्म होगा, तो पूरा मतलब कंटिन्यूसली बिजी ही रूटीन है मेरा। तो हाँ, तो अभी हम फ़िलहाल अभी जस्ट हम बैग अपना पैक किए और सारा कपड़ा वपड़ा अलमारी में रख के उसको भी पैक कर दिए। तो हाँ, और अभी हम 2 वीडियो कंटिन्यूसली रिजर्व में रख लिए हैं बैकअप में, बस उसको अपलोड करना है 2 अलग अलग दिन, तो क्या ही बताएं। तो हाँ, और अभी तक हम सोए नहीं, हमको पता नहीं मेरा हालत कैसे होगा, मेरा सफ़र कैसा होगा, हमको कुछ आइडिया नहीं है, तो अब देखते हैं अब क्या होता है। तो हाँ, आज मेरा एग्ज़ाम है, तो अभी फटाफट हम सो जाते हैं और आपको 10 ही 11 बजे उठेंगे हम, 12 बजे एग्ज़ाम है ना, तो हाँ कुछ ही देर पहले उठेंगे, फटाफट जाएंगे। तो चलो फिर अभी फटाफट पहले सोते हैं। तो फाइनली हम सुबह में उठ गए, अच्छे से उठ गए, अभी मेरा मूड एकदम फ्रेश है और हम लेट भी नहीं हुए हैं, तो चलो पहले फटाफट एग्ज़ाम दे के आते हैं। तो फाइनली एग्जाम दे लिया, फटाफट चलते हैं जल्दी जल्दी अपने हॉस्टल रूम पे। तो चलो फिर, तो काफ़ी जल्दी जल्दी मैं चल के आया हूँ अपने हॉस्टल रूम पे। तो हाँ, फाइनली आ गया, फटाफट तैयारी करते हैं, फटाफट नहाते हैं, सब कुछ जल्दी जल्दी करके फटाफट निकलते भी हैं। तो हाँ, तो अभी जा रहे हैं नहाने फिलहाल के लिए। तो फाइनली हम नहा वहा के रेडी हो चुके हैं, अब हम रेडी हैं निकलने के लिए। तो चलो अभी से मेरा सफ़र शुरू होता है, तो चलो फिर होपफुली कि सफ़र काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाए। तो हाँ, तो चलो फिर जल्दी जल्दी चलते हैं अब अपने डेस्टिनेशन की तरफ। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ हमको, लेकिन हम फाइनली अभी कैसे भी दौड़ भाग के यहाँ पे स्टेशन पहुँच गए अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम है ट्रेन आने में। तो अभी हम आपको डायरेक्ट ट्रेन आएगी तो उसी में डायरेक्ट बैठ उठ के हम, क्योंकि हम अकेले ही हैं ना, कोई है नहीं साथ में, तो ट्रेन में बैठ के आराम से फिर बात करेंगे। तो यहीं से हम चढ़ते हैं, यही फगवाड़ा स्टेशन है, तो यहीं से हम जाएंगे पहले, मतलब अभी पहले आप देखते आना आगे का सफ़र मेरा। तो अभी फ़िलहाल में देखो बगल में कौन खड़ा है, जाइंट ट्रेन। खैर कोई बात नहीं, अब आपसे डायरेक्ट हम ट्रेन में बैठने के बाद बात करते हैं। तो फाइनली हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, तो ये पूरा बोगी, ये पूरा ट्रेन भाई सिर्फ स्टूडेंट्स भरा हुआ है, सिर्फ स्टूडेंट, क्योंकि अभी दिवाली का छुट्टी आ रहा है ना, तो सारे स्टूडेंट अपने अपने घर पे जा रहे हैं। आप लोग को दिखाए ही होंगे अब। तो अभी हम जिस स्टेशन पे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए क्योंकि इस स्टेशन का नाम है पानीपत, यहाँ पे सेकंड बैटल हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ट्रेन बस 2 ही मिनट रुकेगी, हम चलते हैं। तो चलो फिर, अब यहाँ से मेरा मेन डेस्टिनेशन, मेन जर्नी शुरू होता है। अभी हम यहाँ पे उतरे हैं न्यू दिल्ली, तो आज हम एक नया एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, आप लोग को डायरेक्ट चल के वहीं दिखाते हैं। तो चलो फिर, पता नहीं कि अभी भी आप गेस कर पाए कि नहीं कर पाए हम कि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किस चीज़ का होने वाला है। अभी नहीं है, तो अभी आपको कुछ देर बाद अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलो फिर, तो अभी जस्ट मेट्रो से निकल रहे हैं, मेट्रो जा भी रही होगी, दिख रहा होगा। तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मतलब पहली बार ट्रेवल किया ना, तो बहुत मज़ा आया। तो हाँ, अभी चलते हैं फिलहाल के लिए आगे, तब आपसे बात करते हैं यहाँ से निकलने के बाद, क्योंकि काफ़ी मेरे पास कम टाइम है। तो पूरा तेज़ भागते भागते दौड़ते दौड़ते फाइनली हम स्टेशन पहुँच गए हैं। तो हाँ, अब मतलब पहला एक्सपीरियंस था, मतलब पूरा मेरा अभी तक यहाँ तक का जर्नी पूरा एकदम दौड़ी भागे बीता है। तो खैर, काफ़ी लेट रात हो चुका है, करीब 12 बजने वाला है। तो हाँ, अभी इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।